सामी के दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। मेरा नाम है जैन सरफाज, आप वो देख रहे हैं फ्रेंड्स व्लॉग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो यार काफ़ी दिन हो गया हमने व्लॉग नहीं बनाया, काफ़ी दिन हो गए ना, तो वो भी व्लॉग करते हैं स्टार्ट। वेलकम अगेन बैक टू द न्यू अनदर व्लॉग। तो आज का करते हैं जी स्टार्ट। तो पहली बात यह है कि मुबारक हो डक्की भाई, बैक आ गए हैं वापसी। तो दूसरी ये बात है कि यार टाइम ही इतना मिलता है तो हम जो है ना वो दो दो दिन तीन दिन ठहर के अब ब्लॉग बनाए करेंगे। तो अभी जो है ना ये आए हैं, ये पीटर खराब हुआ है शरोज का, तो इसको सही वगैरह करते हैं। पटे के नट जो है ना वो टूट गए हैं, तो उसे जोड़ते हैं, तो फिर उसके बाद चलते हैं सुधर। तो यार छुरा ले लिया हमने पकड़, तो अगर ना चला इंजन, ट्यूबवेल इंजन क्रैश हो गया। वैसे मैं कह रहा हूँ क्रैश नहीं हुआ उसका, सिर्फ पटे के नट उतर रहे हैं, तो उसको अब ना चला तो ये थोड़ा मार्केट था फे देना, उसको कुचल देना, उसको अभी कुचल देना। तो यार अभी अहमद भाई आते हैं, अहमद भाई भी आएंगे तकरीबन मेरी जान 8:15 बजे। तो रहमान मैर साहब इधर हैं, सुफान भी इधर हैं, तो उनसे भी मुलाकात करते हैं थोड़ी देर तक, जाके अभी इधर से फारग होते हैं फिर। तो ये वाला ट्यूबवेल जो है ना, इंजन ट्यूबवेल का इंजन क्रैश हुआ है, यानी कि पट्टे का नट जो है ना ये टूटा। ओए भाई की चाबी तो इधर ही हम छोड़ गए थे, अगर कोई ले जाता फिर। तो अभी इसको सही वगैरह करता है शोस, तो उसके बाद चलते हैं। अभी हम गाना सुनते हैं, सरकार ते साड़ी अपनी है। तो यार मैं गाना सुन रहा था तो मेरी अचानक नज़र पड़ी कि यार ये तो पटरी है, ट्रेन आ गई। तो फिर मैं तो इधर बैठा हूँ, तो ट्रेन यार मुझे पता कब आती है, वैसे सुबह टाइम एक दफ़ा आती है और शाम को लामा इकबाल एक्सप्रेस, तो वह शोज आ रहा तो आता तो फिर गल चलते हैं। वैसे ट्रेन के आने का टाइम ऐसे हो गया है, उठ जाना चाहिए, पता नहीं होता कब आ जाए कब नहीं। स्पीड भी उसकी जो है ना कंट्रोल नहीं होती यार ड्राइवर से। उसको मैं आज बोलूँगा यार रास्ता चलाया कर, पब्लिक प्लेस है, क्यों शोर में जाते हो। तो मैं उसे आज कॉल करूँगा, अपनी ट्रेन है, बहुत कुछ है यार हमारा पाकिस्तान में चलता गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट का यार ये। तो अभी शरोज आता, तो यार पीटर हो गया जी सही, चालू भी हो गया। तो अभी मैं जा रहा हूँ जी वापसी घर, वो नहीं जा रहा। तो यार पटे के साथ साथ यार रास्ता तो है 1 किलोमीटर का, तो देखते हैं जी कितनी देर में वहाँ पहुँचे हैं। थोड़े जल्दी स्पीड पहुँचना है, सॉरी यार स्पीड नहीं, आस्ता से बहुत ही स्लो तरीके से गाड़ी चलानी है। आधा घंटा लगे, घंटा लगे, स्लो जाना है। तो यार मैं घर आ चुका हूँ, मैं कब का पहुँच गया यार। वैसे वीडियो अच्छी बनाई है, मोबाइल की बैटरी लो जी चार्जिंग निकल गया था, ताकि मैं व्लॉग बना सकूँ आपके लिए। कोई शानदार व्लॉग बनाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, लाइक भी किया करें यार, टाइम निकालते हैं हम अपनी ये जो हमारी ज़िंदगी गुजर रही है ना, मैं क्या कहूँ इससे, इंशाल्लाह अच्छी होगी, आगे देखते जाते हैं क्या होता है हमारे साथ। तो यार आप तो सब्सक्राइब करो एक क्लिक के साथ, सब्सक्राइब आपका क्या जाना है, सिर्फ वीडियो आपने हमारी देखनी है, वो 10 मिनट की देख लिया करें। तो यार अभी सीन ये है कि अहमद भाई को मैं कॉल करता हूँ, पूछता हूँ कि वो आए हैं या नहीं, फिर मैं कॉल करके फिर आपको बताता हूँ। अहमद भाई का नेट ऑफ है, इट्स मीन के यानी के वो नहीं आए अभी कहीं पर। तो अभी यार कोशिश करते हैं कि वो जल्दी आ जाए, क्योंकि मैं आपको बाहर चला हुआ रहमान को उसका पता भी लेने जाना है, तो उसके पास भी जाना है, टीवी भी आ रहा है अहमद के साथ ही, मोबाइल भी इधर अलो नहीं है, प्राप्ता कैसे करें उनसे, 8:15 बजे आना है। वैसे मैं तो 7:20 पे मैसेज उसे किया, मैं मुझे लगा कि वो आ गया शायद, तो अभी देखते हैं जो कितनी देर में आते हैं, तो फिर चलते हैं। तो यार अहमद तो अभी नहीं है, फरहान की कॉल आई है कि यार आप हॉस्पिटल आ जाओ, उधर से रहमान का पता लेने चलते हैं। मैंने बोला ठीक है आप उधर आ जाओ तो मैं भी आ जाता हूँ, मैं अभी पैदल वहाँ पर जा रहा हूँ भाई, क्योंकि खराब हो गया कल का इंतजाम जो है ना वो गिरा है, तो वो सत्यानाश हो गया बाइक का, तो बाइक जो है ना सेल कर देनी है। यार पहुँच जाए तो चलिए और चलें, फिर उसके पास चलें जी, मेहर साहब के पास चलते हैं, पूछते हैं जी तबीयत आप कैसी है उसकी, उसकी तबीयत जाके ठीक करते हैं। ऐ बंदे ने सानू 2 घंटे इत्थे बाया है, ते अबू ना नेट आने ना कॉल चुकदा है, सही होगा मोबाइल नहीं है आपके पास, बच्चे कार्टून में बैग बैग आ गया, तो
तो हम इधर जो घंटे के बैठे हुए हैं उनका नहीं पता मुझे क्या पता था आप मैंने आप वो अच्छा पता है। हेलो तो यार मेरे को था बाहर गपशप लगाई है थोड़ी बातें ठीक है तो जहाँ बैठे हुए थे वहाँ और भी लोग आके बैठ के फिर हमने बोला यार हम चलते हैं जी घर है मैंने भाई वैसे कह रहे थे मैं उधर ही आता मैंने बोला यार अब मुझे भी नींद आ रही है तो मैं भी जाना वो घर जा रहा हूँ तो आप भी घर चले जाओ तो मिलते हैं जी अहमद को सुबह अभी हम जा रहे हैं जी घर शायद अभी भी मुलाकात हो सकती है क्योंकि मैं उसी रास्ते से जा रहा हूँ जहाँ से उन्होंने आना है तो शायद मुलाकात हो जाए देखते हैं जी आप। तो यार सुफियान इधर आ गया इधर मेरे पास ही तो अहमद आने लगा वो भी डॉन साहब लेने गए हैं उसे है ना तो ये अहमद को रिसीव करने गया था मैंने बोला था ना आपको अचानक शायद मुलाकात हो जाए ये यहीं पे है और अहमद घर चला गया हुआ है तो ये दो बंदे मैंने पकड़े हैं जी व्हीलिंग उठाते ये देखें गोड़ा हमारा इतना हो गया कितने आउट हो गए हैं सारे ही हो गए भाई 145 सारे बुलाओ शंशा भाई नहीं है इधर वो चला गया इस्लामाबाद वापसी हाँ नहीं 11 बजे गया था सुबह शाम किधर है वो शाम ठीक है आप ठीक हैं मैं भी नहीं आया तो एक बाइक तुम्हारी उधर खड़ी है अभी एक हमारे पास है अभी किधर है कोई पता नहीं वो मेरे ख्याल से घर वालों को ले गया होगा गाड़ी पे किधर ये नहीं पता अब वो मुझे लेने क्यों नहीं कोई भी आया स्टाफ सफियान यार गया हुआ था वो कहता तुम्हारे अबू आ गए थे तो यार इनकी लड़ाई खत्म नहीं होनी है तो हम गपशप आपस में लगाते हैं और लड़ते हैं जो मैं आया तो कितने हैं भाई के साथ काफी देर यार गपशप लगाई उसके बाद वो चले हैं जी घर तो मैं भी घर में लाइट चली गई थी अभी आई है तो ब्लॉग कर रहे इधर एंड हमें दे इजाजत तो हमें याद रखिए चैनल को करें सब्सक्राइब वीडियो करें लाइक शेयर एंड फ्रेंड्स अल्लाह हाफिज़ मिलना जी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।